स्वराजिक सोचना हूँ आपके साथ बिश्रा। सबसे पहले खबर, जहां जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, महासमुंद में राजनीतिक दलों की दावों की राजनीति शुरू हो गई है। प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपने अपने जीत का दावा करने से पीछे नहीं हट रहे और स्थानीय चुनाव में आखिर कौन बाजी मारेगा और पार्टियां किस पर अपना दाव खेलेंगी, ये भले ही कुछ दिनों बाद पता चले, लेकिन नेता अपने दाव से पीछे नहीं हट रहे हैं। महासमुंद नगर पालिका की बात की जाए तो पिछले चार कार्यकालों से यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार फिर वर्तमान पालिका अध्यक्ष सामान्य सीट होने के बाद भी पार्टी में अपनी दावेदारी करने से पीछे नहीं हट रही, अपने काम के दम पर पार्टी से टिकट लाने का दावा कर रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर जनता जनार्दन किसके दावों पर मोहर लगाती है। और हमारी लड़ाई हमेशा से हम लोगों ने, जिस दिन से पैदावार हुई है शिवसेना की, उस दिन से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ियों के हितों के लिए हमारा संघर्ष है। इलेक्शंस में हम लोग लगभग 60% जगह पे हम खड़े होंगे, हमारे कैंडिडेट्स हम लोग खड़े करेंगे, कोई नगरी निकाय का कोई इलेक्शन नहीं छूटेगा। नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ पर 30 वार्ड है। हमारी तैयारियों में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने उन सभी 30 वार्डों में ऐसे मतदाताओं का चयन करना जिनका नाम नहीं जुड़ा है, उनको जुड़वाने का शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है। चुनावी तैयारी तो हमारा शुरू से चल रहा है, हम तो पिछले 5 साल से हम चुनाव तैयारी में ही है। जनता का जो मांग आ रहा है उसके हिसाब से जो भी समस्या है उसको दूर करते करते आ रहे हैं, और हमारा तो आने वाला चुनाव में पार्टी का जो आदेश होगा उसको करने के लिए हम तैयारी। ग्वालियर जिला प्रशासन की